गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को आज का आरबीसी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से हूँ, और आज मुझे वहां एक रखो। भाग्य मिला है, मौका मिला है आज एक बहुत बड़ी हस्ती को इनवाइट करने का। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज ये जान करके कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती, जिनके बारे में आप शायद जान करके हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, तो लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले सादर चरण स्पर्श करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम, रंजन सर और अग्रवाल सर को। ये सब हम सबके गुरु हैं, जिनके कारण आज हम सभी लोग बढ़ रहे हैं। तो आज का जो मीटिंग है ना, आज का जो टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर शानदार लीडर के द्वारा दर्शाया गया है। तो आज का जो लीडर है वो कोई और नहीं है, बिहार से हैं और बिहार में अभी गया डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रहते हैं, और बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं। बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, एकदम शांति के साथ बिजनेस करते हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा बिजनेस। तो उनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए लोग आए हैं पहली बार, उनके लिए मुझे परिचय देना आवश्यक है। तो आज का जो लीडर है, जिनका नाम है शशि, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड, श्री शशि भूषण कुमार सिंह। ये गया जिले में है अभी, और साथ में इनकी मैडम आशा दीदी। ये दोनों लोग आज पति पत्नी मिल करके फुल टाइम डीएक्शन करते हैं, और आज डीएक्शन से एक जबरदस्त जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्त, जबरदस्त जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष इन्होंने किया है, इनकी संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो आंख भर जाएगी। न ठंडा, न गर्मी, न बरसात, पानी भी पड़ता रहे, बिना 200 किलोमीटर बाइक चलाए मानने वाले नहीं है। लगातार मेहनत तो इनके रग रग में है। क्यों मेहनत करते हैं इतना? क्योंकि इन्होंने जमीन से उठ करके यहां तक पहुंचे हैं। एकदम जमीनी लीडर हैं, कोई बनावटी लीडर नहीं है। जो आज आपके सामने आने वाले हैं वो कोई बनावटी लीडर नहीं है, जमीनी लीडर है। एकदम जमीन से, यानी फर्श से उठ करके अर्श तक कैसे पहुंचे, उसमें बहुत बड़ी मिसाल है, इनका नाम आता है। और एक करते क्या थे, बहुत ही सिंपल सा काम, स्टडी बूथ चलाते थे। स्टीडी बूथ में कितना पैसा आता होगा, आप सोचिए जरा। आज तो स्टीडी बूथ ही नहीं है, अगर आज वो करते रहते तो स्टीडी बूथ ही गायब हो गया। कोई स्टीडी बूथ नहीं है, कोई नहीं जाता है स्टीडी बूथ पर अब फोन लगाने के लिए कि मेरा फोन लगा दीजिए, मुझे बात करना है, मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, गया जमाना। लेकिन एक जमाने में ये एक छोटा सा साइकिल से, पुराना साइकिल से स्टीडी बूथ पर जाकर के चला स्टीडी बूथ चलाते थे। कितना पैसा कमाते थे, 5,000 रुपया। सोचिए दोस्त, 5,000 रुपया, आज इसका कई गुना केवल टैक्स भरते होंगे, जो कि एक जमाने में केवल 5,000 रुपया स्टीडी बूथ से कमाया करते थे। लेकिन डीएक्शन इनको मिला कैसे? इनकी बहन की एक अच्छा समस्या होती है, और वो दांतों की समस्या होती है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, और अगर आप प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हैं या दे रहे हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें। कौन सी प्रोडक्ट किस आदमी की जिंदगी बदल देगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? डीएक्शन का एक एक प्रोडक्ट में दम है। कोई भी एक प्रोडक्ट अगर कोई छू ले उसको, तो वो उसका दीवाना हो जाता है। और शशि भूषण सर की बहन को दांतों की समस्या होता है, और इसके लिए इन्होंने एक पेस्ट खरीदा, और इस पेस्ट का कमाल देखिए, ये पेस्ट ने तो जादू कर दिया। और ये पेस्ट का इस्तेमाल करने के बाद जो इनको रिजल्ट आया, उससे उनसे इनको समझ में आया कि ये प्रोडक्ट में दम है। और जब प्रोडक्ट में दम है और कंपनी में दम है, तो अब तो केवल शशि भूषण जी को अपना दम दिखाने की जरूरत था, और इन्होंने वही किया। कंपनी में दम देखे, प्रोडक्ट में दम देखे, अपलाइन में दम देखे, और उसके बाद लगाए इन्होंने अपना दम, और उस दम का नतीजा आज आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इनके पास क्या नहीं है आज के समय में। आज अगर हम बात करें, हर साल मोटरसाइकिल बदलते हैं, ये भी एक रिकॉर्ड वाला बात है। कोई आदमी है एक ही मोटरसाइकिल पर अंतिम संस्कार कर लेता है, लेकिन हर साल शशि सर मोटरसाइकिल बदलते हैं।
इनके पास कार भी है, पूरा बड़ा एकदम स्कॉर्पियो रखे हैं, मजबूत गाड़ी रखे हैं, ये हल्का फुल्का कमजोर गाड़ी नहीं रखते। इनको बोलना था कि हम सर हल्का फुल्का गाड़ी नहीं रखेंगे, हम रखेंगे मजबूत, तनी ठोक भी दे किसी को तो मेरा कम से कम गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए। मजबूत गाड़ी इनके पास है। और आज गया जिले में गया एयरपोर्ट के पास 40 लाख रुपया का बंगला में रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप सोचिए जरा सा कैसे हुआ ये सब। 40 लाख रुपया के घर में, 18 लाख की कार, 8 बार विदेश यात्रा। और अगर इनकी टीम मेंबर की बात करें तो आप इनकी टीम के बारे में सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। इनके टीम का जो साइज है, कितने लोग इनके नेटवर्क में हैं, इनको जरा देखिए। इनके पूरे टोटल मेंबर की संख्या है 4,29,436, 4,29,436। इतना इनका डाउनलाइन है, इतना इनका नीचे टीम है। इसमें स्टार एजेंट कितने हैं, 14,364 स्टार एजेंट। रूबी की बात करें, 681 स्टार रूबी। डायमंड की बात करें, 240 डायमंड। एग्जीक्यूटिव डायमंड की बात करें, 154 ईएसडी। सीनियर डायमंड की बात करें, 55 सीनियर डायमंड। और ईएसएसडी का बात करें, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड का बात करें, 25। और डबल डायमंड की बात करें, 21 डबल डायमंड। एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड 2, ट्रिपल डायमंड 2, गोल्ड डायमंड 1, और क्राउन डायमंड भी 1 है इनके टीम में। क्या बात है! और एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड ये तो खुद ही है, और साथ में इनके टीम में क्राउन अम्बेसडर भी है, जिनको आप सब भी लोग जानते हैं, कोई और नहीं, बिहार के फास्टेस्ट क्राउन अम्बेसडर श्रीमती धर्मशीला दी एंड श्री सुरेंद्र प्रसाद सर इन्हीं के टीम से हैं। इनके देखा जाए कि अगर इनका विदेश यात्रा की बात करें, कितने देश ये विजिट कर चुके हैं, हर साल विदेश जाते हैं। अभी तक मलेशिया 2 बार विजिट कर चुके हैं। मलेशिया, जो कि एक जमाने में केवल कहां जाते थे घूमने, एसटीडी बूथ पर, आज कहां जा रहे हैं, मलेशिया। उसके बाद मॉरिशस, लगातार क्वालिफाइड, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, दुबई। उसके बाद फिर से मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बाली, अजरबैजान, दुबई, थाईलैंड। कोई भी विदेश यात्रा आ जाए कंपनी का, वो कितना भी पॉइंट लगा ले कंपनी, सही सर को नहीं रोक सकता है, वो उसकी ताकत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है इनकी पावर, कोई भी विदेश यात्रा आ जाए शशि सर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शशि सर, आज आपसे हम सभी दर्शकों को ये जानना है कि आप ये सब कैसे कर पाए। और आज का जो आपका टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिला है कि डी एक्शन बिजनेस में भीड़ का क्या महत्व है और भीड़ कैसे लगाना है। इसमें आप सर माहिर आदमी हैं, क्योंकि आपने पहले भी मुझे भी कई बार आपने बताया है कि रोशन जी भीड़ कैसे लगाना है। आज आपके मुख से हम सभी दर्शक लोग सुनेंगे कि भीड़ कैसे लगाना है और इस भीड़ का महत्व क्या है, ये आप ही बता सकते हैं सर, क्योंकि आप एक एक आदमी को कलेक्ट करके इतना बड़ा आप बने हैं। तो हम देर न करते हुए आपको बुलाना चाहेंगे, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे श्री शशि भूषण सिंह एंड आशा दीदी, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। आपका स्वागत है सर आज के आरबीसी यूट्यूब चैनल प्रोग्राम। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू रोशन जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। और आपने बहुत सारा चीज बता दिए हैं, इसलिए जो है आपको दिल से बहुत बहुत बधाई करते हैं देते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को लेकर के। और सबसे पहले जो हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने इतना अच्छा, इतना सुंदर शरीर दिए इस दुनिया में, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और आशीर्वाद का कामना करता हूँ, मुझे आशीर्वाद देते रहें। साथ साथ जो है हमारे फाउंडर सीईओ डाइटो डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद का कामना करते हैं। आशीर्वाद जो भी है वो बना रहे, जैसा मार्गदर्शन करते रहेंगे हमने फॉलो करेंगे। साथ साथ जो है हमारे जो है विश्व गुरु और गुरु माता प्रोफेसर सर रत्ना मैम, आपको चरणों में कोटि कोटि नमन है सर मैम, और आपका आशीर्वाद का कामना करते हैं, आशीर्वाद बना रहे। और मैं आरबीसी का भक्त बना रहूं, मुझे किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो क्षमा करेंगे गुरुदेव गुरु माता। और हम हमेशा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मैं आरबीसी का
सेवा करते रहूंगा, आरबीसी का सेवक हूँ और सेवक बना रहूंगा। साथ साथ जो है हम लोगों को मार्गदर्शन डॉक्टर यश रंजन और माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जहाँ कहीं भी डॉक्टर साहब मिलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें बताने का काम करते हैं। आपको सर कोटि कोटि नमन करते हैं, मैम को भी। साथ साथ जो है हम लोगों को बिहार के महान गुरु के अग्रवाल सर एवं माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, सत सत नमन करते हैं। सर आपका आशीर्वाद और आपके डांट आपका प्यार मुझे मिलते रहे। सर आपका जितना डांट मिलता है हम पूरे बिहार हमारे पूरे टीम आपको उस डांट के लिए ललायत रहते हैं कि सर का कब डांट मिले कि हम लोग आगे बढ़ें। सर इसी तरह से हम लोगों को डांट फटकार करके आगे बढ़ाते रहिए, सर आपका आशीर्वाद बना रहे। साथ साथ जो है जितने भी गुरुजन हैं जो हमने सिखाने का काम किए सबको कोटि कोटि नमन करते हुए और आगे मीटिंग को जो है बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले जो है हमें सिखाने का काम किए प्रिय रंजन सर को, गुरु माता को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। सर अगर मेरा आवाज जा रहा होगा, सर चरण स्पर्श आपका आशीर्वाद बना रहे। साथ साथ जो है झारखंड का के धर्मशील सर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सर आपका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहे झारखंड में भी बिहार में भी, और हमें हमेशा जो है मार्गदर्शन देते रहें। साथ साथ जो है हमें बिहार यूपी के मार्गदर्शन देने वाले रमाशीष गुप्ता सर उनको भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और सर आपका आशीर्वाद बना रहे, लार प्यार मिलता रहे सर। और इसी सिलसिले में जो है हमने आगे बढ़ाने का काम अब करते हैं। मेरा जैसा कि नाम सब लोग जानते हैं शशि भूषण, अभी गया एयरपोर्ट के पास हैं बिहार गया एयरपोर्ट। और हमने शुरुआत पढ़ाई लिखाई मेरा इंटर बायोलॉजी से लिया था, बीए किए। इसके बाद जो है मूव हो गए, हमने जो है कुछ बहुत दिन तक एसटीडी बूथ चलाया और बूथ चलाते भर में कुछ इंश्योरेंस सेक्टर मिला था सहारा इंडिया जीटीएफएस में भी काम किए, कहीं पैसा नहीं मिल पाया था। इसी बीच में हमारी एक छोटी बहन थी 10-12 साल के, और वो होली के दिन में रंग लगाने में गिरी थी, मुंह में चोट लगा था और उसको 2 साल कंटिन्यू इलाज हम लोग करवाए पटना जहानाबाद डेंटल डॉक्टर के पास, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला, लाखों रुपया बर्बाद हुआ। लेकिन जो है कहा जाता है कि दुनिया का सब दरवाजा बंद होता है तो ऊपर वाला का एक दरवाजा खुला रहता है। इसी बीच में जो है हमारे बीच में रोशनगंज शेरघाटी से चल करके इंदु मैडम आते हैं और वे डीएक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। जहाँ कहीं भी है इंदु मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं बताते तो हम इस सेक्टर में ज्वाइन नहीं होते। और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं कि डिएक्शन का प्रोडक्ट आपको सेवन कीजिए, बहन का रिजल्ट आ जाएगा। ए डिएक्शन रेसिगेनो टी ऑर्गेनोजी टूथपेस्ट, ये दो चीज़ें आपकी बहन को दांत का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या था, पायरिया, रिम चलना, खून चलना, मसूड़ा, इस तरीके से दांत को छोड़ दिया था और लगातार वो रोते रहती थी। 1 महीने में सफाई होता था, फिर बार बार जो है महीने महीने होता था, कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता था। लेकिन टी को जो है बनाने के बाद हल्का गुनगुना रहेगा, 1 घोट मुंह में लेना है, कुल्ला करना है, उसके बाद पी जाना है। फिर 1 घोट लेंगे मुंह में, कुल्ला करना है, 1 मिनट चलाना है चारों तरफ, फिर पी जाना है। गेनोजी टूथपेस्ट को मटर के दाना के बराबर मसूड़ा हाथ में उंगली पर लीजिए, मसूड़ा में 5 मिनट मालिश करना है, 10 मिनट छोड़ देना है, इसके बाद कोई दातुन ब्रश कर सकते हैं। तो ना हमारी बहन दातुन करती थी ना ब्रश करती थी, किसी भी प्रकार से शुरुआत करती है। और 1 महीना बीतने के बाद वो बोलती है कि भैया देखिए ना अब दातवा कम हिलता है, यानी दांत कम हिलता है। तो हमें और विश्वास बढ़ते गया। 2रा महीना 3रा महीना बीता, फिर वो बोली कि भैया अब देखिए दांत मेरा सब सही हो गया। और बिल्कुल जो है देखे तो हम भी हैरान हो गए। और ये दो चीज़ से, डिएक्शन रेसिगेनो टी और गेनोजी टूथपेस्ट, दो चीज़ से मेरी बहन का दांत का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है और जबरदस्त रिजल्ट आता है। इस दो चीज के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, गेनोजी टूथपेस्ट और रेसिगेनो टी, साथ में गेनोजी सोप लिए थे, क्योंकि मैडम का जो है मेरा
दांत गाल में छाही था, यानी चेहरे पे, वो ठीक नहीं होता था। तो बहुत सारा जो है बेटनोवेटेन सी होपो पाउडर जो फोटोशॉप करने वाला होता है, बहुत सारा लगाई थी, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो पाता था। आप लोग जितने भी महिला लोग सुन रहे होंगे या पुरुष लोग, वो देखिए कि लेडीज को अगर जो है सब चीज से कंप्रोमाइज कर लेगी चलेगा, लेकिन अगर चेहरे में कोई दाना हो जाए, कोई जख्म हो जाए या कोई छाही हो जाए, तो उसके लिए कंप्रोमाइज नहीं करती है। वो बराबर हमको बताते रहती थी। तो डिएक्शन का गेनोजी सॉप को जानकारी मिला, ये सॉप ले गए इनके लिए, और तीन चीज से डिएक्शन का में ज्वाइनिंग हम होता है, रेसी गेनोटी, गेनोजी टूथपेस्ट और सॉप, और इनका भी जबरदस्त रिजल्ट आता है। फिर जो है हमने कहा किया कि इसके बारे में बताने का काम किया, यानी जब भी हम अपने दुकान पर एसटीडी में जाते थे तो इस सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते थे, तो कोई भी आदमी नहीं समझता था। तीन महीना तक एक भी सामान हमसे नहीं बिकता था। हमको लगता था कि कौन सा सेक्टर में हम फंस गए हैं। हमारे घर वाला भी लोग बोलते थे कि आप साइकिल उठाते हैं, झोला प्लास्टिक का लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट रखते हैं और सुबह से शाम तक उधरे रहते हैं, रात में 8-7-8 बज जाता है, आप कौन सा काम पकड़ लिए हैं। इससे अच्छा तो एसटीडी बूथ था जहां 2 पैसा आता था, लेकिन डिएक्शन में कोई पैसा तो आता नहीं है। और फर्स्ट जो है इस तरीके से जो है शुरुआत करते गए, तो बताते बताते जब हम लोग जो है एक डब्बा चाय 3 महीना के बाद बिका था, एक मास्टर साहब थे वो लिए थे, फिर जो है हमने गांव गांव बताते गए और होम मीटिंग की संख्या बढ़ाते गए, और होम मीटिंग की संख्या बढ़ाने का नतीजा मिला कि कोई इंसान चाय लिया, गेनोजी सॉप, गेनोजी टूथपेस्ट, इस तरह का से जो है प्रोडक्ट का बिकना शुरू हो गया, मार्केटिंग होना चालू हो गया। फिर जो है हमें मन लगने लगा, और फिर जो है इसी तरीका से जो है रोज हम निकलते थे, एक दिन में एक डब्बा चाय या 2 डब्बा, कोई दिन नहीं भी बिकता था। तो हम महीने का मेरा रिकॉर्ड है कि 1 महीना में 30 से 35 डब्बा हम चाय निकाला करते थे, बेचा करते थे, यानी इसके बारे में प्रमोट करते थे, क्योंकि हमें इस चाय के डब्बा में हमें हमारा सपना था। क्या सपना? मेरा घर सुंदर होना चाहिए, मेरा सुंदर गाड़ी होना चाहिए, हमारा बच्चे की अच्छी पढ़ाई होना चाहिए, हमें देश विदेश का टूर होना चाहिए, लाखों लाख रुपया का इनकम होना चाहिए। इस चाय के डब्बे में मेरा सपना था, और मैंने सपने के लिए काम किया करते थे, गांव गांव जा करके। कोई कुछ भी बोलते थे हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा सपना और इतना बड़ा ड्रीम था कि अपना खुद का एक सुंदर घर हो और खुद का अपना गाड़ी हो, खुद का बाइक हो, क्योंकि साइकिल भी हम चलाते थे ना, तो हमने 1 साल में 1 साइकिल बदल देते थे, और उस तरीके से बाइक भी खरीदे। तो सबसे पहले मैंने जो है इस प्रोडक्ट को बता बता करके जो है इसको गांव गांव घर घर जा करके साइकिल जो है चलाते चलाते 50-60 किलोमीटर दूर चले जाते थे, और वहां से वापस आते थे, रात हो जाता था, 7-8 बज जाता था। आप 1 अक्टूबर 2009 का मेरा ज्वाइनिंग है, आप लोग सोच सकते हैं 2009 में मोटरसाइकिल का नाम उस समय बहुत कम मिलता था, रोड भर भर ठेहुन गड्ढा रहता था, बोल्डर इतना बड़ा बड़ा रहता था, कभी साइकिल चलाते चलाते रात होता था अंधेरा में, साइकिल कभी बोल्डर पर जाता था तो साइकिल उधर बिगा जाता था, हम उधर बिगा जाते थे, और कभी साइकिल का चैन अगर फंस गया बीच रास्ते में, अंधेरा में है, कहीं जंगली क्षेत्र पड़ता था, तो साइकिल को चैन खींचते खींचते जो है मेरा हाथ काला हो जाता था, पैंट में जो है वो काला काला लग जाता था, मोहरी तक फट जाता था। लेकिन जो है हमने ये सारा श्रेय जाता है, हमने एक भी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा, क्योंकि ट्रेनिंग हम छोड़ देते तो मेरे घर में बहुत सारा जो है ताना मिलता था, गांव घर में ताना मिलता था, ये सारे ताना को जो है सहन किए ट्रेनिंग से, हमने एक भी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, लगातार हमने ट्रेनिंग करते गए, काम करते गए, और इस तरीका से कारमा धीरे धीरे बनते जाता है, होम मीटिंग की संख्या भी बढ़ाए। तो फिर कुछ दिन के बाद मोबाइल आया, जब मोबाइल आया तो मोबाइल में टावर नहीं रहता था, BSNL का सिम मिलता था, 2500-3000-4000 में सिम मिलता था, और कहीं मोबाइल के लिए बात करते थे, हेलो हाँ सर, यानी बात करते थे तो हम देखते थे कि टावर है कि ना, अगर मेरे पास टावर है तो कहीं आप लोग के पास टावर नहीं है, तो बोलता था कि आउट ऑफ रेंज है, जिससे बात करें वो आउट ऑफ रेंज बताता था,
कभी वो दोनों में बात हो रहा, कभी हम इधर घूम गए तो टावर गायब होता था, कभी छत पर चढ़ते थे स्कूल के, कभी आहरे पर जाते थे, कभी पेड़ पर चढ़ करके बात करते थे। आप सोच सकते हैं, साइकिल था, मोटरसाइकिल नहीं था, बस ट्रक का उतना नाम नहीं था, रोड नहीं था। दोस्त आज आपके सामने क्या मेरे से यह ज्यादा कोई कठिनाई है? आज तो आप लोगों के लिए फोर लाइन बना हुआ है, आप टॉप गियर लगाइए। आपको कब स्टार, रूबी, डायमंड, क्राउन मिस्टर बनना है, कितना पीवी ग्रोथ करना है, कितना भीड़ लगाना है, कितना होम मीटिंग करना है, आपके पास सारा सुख सुविधा है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कोई टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए नहीं था। किसी को पैसा आता, किसी का प्रोडक्ट खाने पीने से रिजल्ट आया, ये कुछ भी नहीं था। सब लोग बोलता था महाफालतू है, कहाँ फंस गए हैं। यहाँ तक हमारे मामा, हमारे फुआ, हमारे मौसा मौसी भी लोग कहते थे क्या पढ़ाई करते, नौकरी करते। यहाँ तक हमारे घर में मैडम भी बोलती थी कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, आप नौकरी करते, क्या ये धूरी खजूरी बांट रहे हैं। अगर नौकरी करते, क्योंकि मेरा सहेली सब नौकरी वाला से शादी हुआ है, तो मेरा भी शौक है कि नौकरी वाला से शादी होता, हम कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बड़ा अच्छा से कपड़े लता पहनते हैं, घर आते हैं तो पूछते हैं, तो अपना अपना खाना खोरा के बच्चे की अच्छी पढ़ाई सारा सुख सुविधा लेते हैं। और हम तो शादी भी हुआ मिलिट्री वाला से हो रहा था, लेकिन एसटीडी वाला से हो गया। क्योंकि मैडम कोई बात नहीं है, आपका सारा शौक सुविधा पूरा करेंगे। लेकिन जो है उस काम के, इनके सपने के लिए हमने जो है रात दिन मेहनत किया, और मेहनत करते गए कारमा धीरे धीरे बनते जाता है। और इस तरीका से लगातार चलते 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 स्टार बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं। एक मोटरसाइकिल फर्स्ट मेरा डिस्कवर बजाज का लिए थे, स्पोक वाला, उसमें सेल्फ नहीं था, पीक स्टार था उस समय। उसको खूब चलाने में मन लगा, स्टार रूबी में, स्टार डायमंड, फिर जो है अपने नीचे डायमंड बनाना चालू किए। ये सारा जो है होम मीटिंग का श्रेय है। होम मीटिंग का श्रेय के चलते मेरा पीवी, मेरा बोनस, मेरा स्टेटस बढ़ते गया, और हमारे टीम में भी डुप्लीकेट करते गए। अरे जो है होम मीटिंग की संख्या बढ़ा, तो हम लोग वीकली मीटिंग किए, साप्ताहिक मीटिंग, जहाँ छोटे छोटे गांव है, बाजार है, जहाँ से 5-10 हज़ार पीवी आ रहा है, उस गांव में या उस छोटे छोटे बाजार में आप रूम लेकर के साप्ताहिक मीटिंग चालू किया। उसके बाद मंथली मीटिंग होने लगा। फिर मंथली मीटिंग के बाद जो है बड़ा डिएक्शन आरबीसी प्रोफेसर सर के द्वारा, जहाँ कहीं भी है प्रोफेसर सर अपना मैम के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं, चरण स्पर्श सर, आपका बिहार में जो ट्रेनिंग लगा, लीडरशिप ट्रेनिंग, उसमें जो है हमारे टीम में जब मैडम सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला मैम जब आई, और इनको जब नॉलेज दिए कि आज जो है ट्रेनिंग होने वाला है बसुपाल सर, प्रोफेसर सर का, मैडम का, रत्ना मैम का, और इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद जो इनको जो है दिमाग खुला, आज वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं, किसी का मोहताज नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद और धर्मशिला मैम के लिए जहां कहीं भी हैं एक जोरदार ताली होनी चाहिए, सभी लोग लगाइए, वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर। ये सारा जिम्मेवारी डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को जाता है। अगर हम आरबीसी सिस्टम को मैडम को नहीं दिखाते, प्रोफेसर सर का डिग्री नहीं बताते, उनका अचीवमेंट नहीं बताते, रत्ना मैम का डिग्री अचीवमेंट नहीं बताते, इन्होंने देख करके गए कि इतना बड़े बड़े जब हस्ती कर सकते हैं, तो हम लोग कौन सा छोटा मोटा परिवार से आते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में दोस्त, जब मैम और सुरेंद्र जी जब देख करके पटना से आए, और जो इनको आग लगा, आज देखिए कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर कहलाते हैं, और अचीव किए, और दुनिया इनको देखने के लिए ललायत रहते हैं, इनकी बात को सुनने के लिए ललायत रहते हैं। इनको बात में ऐसा मधुर मिठास है, और ऐसा स्माइल चेहरा है, स्माइल जो है चेहरा, हमको पहले बाबा बताते थे कि स्माइल चेहरा अमीरी दिखाता है। और जो है आज इतना जबरदस्त तरीके से जो है अपने टीम को गाइड किए, और ये सारा से जो है आरबीसी को जाता है। अगर आरबीसी नहीं रहता तो हम नहीं होते, हम नहीं होते शायद मैडम कहाँ होते, हमने कभी पीवी नहीं चुराया, कभी बोनस नहीं चुराया किसी को, किसी को आदमी नहीं चुराया, और कोई भी चीज
हमने सीखा था, प्रोफेसर सर बार बार बोलते हैं बेटा शानदार बनो, जानदार बनो, ईमानदार बनो और पहरेदार बनो। पहरेदारी भी देना बहुत जरूरी है। हमने अपने पूरे टीम को पहरेदारी देने का काम किया और इस तरीके से संभाल करके होम मीटिंग की संख्या बढ़ाया, वीकली मीटिंग की संख्या बढ़ाया खुद, फिर हमारे टीम में डुप्लीकेट हुआ। फिर जो है फर्स्ट बार जो है हमने डीएक्शन आरबीसी कैंप भोपाल लगा था, भोपाल दोस्त उस भोपाल कैंप में जो गए, जो मेरा दिमाग खुला कि बाप रे इतना बड़े बड़े पूरे इंडिया का सभी लीडर, पूरे दुनिया में से भी बहुत सारे लीडर, ये सारे जो है फाउंडर सभी लोग एकत्रित हुए हमें देख करके, आप इमेजिंग नहीं करेंगे, कल्पना कीजिए। आज जो भी देन है जो आप हम लोगों को देख रहे हैं अचीवमेंट, सारा श्रेय गुरु माता गुरु पिता को जाता है, आरबीसी को जाता है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आरबीसी के लिए, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए। आप सब लोग भी भीड़ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। उसके बाद गोवा पशुपाल क्रिएशन हुआ, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप हुआ गोवा, उस गोवा में हमारे टीम से 125 लोग गए थे। आप सोच सकते हैं गोवा 125 लोग ट्रेन से, कुछ प्लेन से, और गोवा से जो 125 आदमी सीख करके आए, इतना जबरदस्त तरीके से काम हुआ बिहार शरीफ में कि आज जो है पूरे दुनिया और पूरे इंडिया बिहार और बिहार में भी बिहार शरीफ के नाम से जाने जाते हैं, वो कोई और नहीं है। फिर से एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशीला मैम के लिए, जो इतना जबरदस्त तरीके से मोबिलाइज किए, भीड़ को मोबिलाइज करना सीखिए। जब तक आप बड़ा बड़ा मीटिंग, क्राउड मीटिंग आप इकट्ठा कर करके आप बड़ा बड़ा मीटिंग दिखाते, हम लोग गए और इसका परिणाम दोस्त निकला, आप कल्पना कीजिए। मेरा 1 तारीख को जब हम लोग शुरू किए थे 1500 पीवी यस सर, 3000 पीवी यस सर, 3500 पीवी यस सर, 1 तारीख को। आज जो है मेरे उसका डुप्लीकेशन का जो देखिए, 1 तारीख को मेरे नीचे जो है 54 लाख, 55 लाख, 50 लाख, 48 लाख, ये मेरा 1 तारीख को पीवी जाता है। ये शुरुआत 3500 पीवी का कमाल है। फिर हमने जो है लगातार काम करते गए और लास्ट जो मेरा हाईएस्ट जो है 2 करोड़ 48 लाख पीवी मेरा जाता है। ये सारा श्रेय जो हमने भीड़ उठा करके लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप पटना में हुआ, बनारस में बसुपाल क्रिएशन, उसके उत्तराखंड में हुआ, गोवा, बॉम्बे, मुंबई, उड़ीसा दो दो बार, उसके बाद भुवनेश्वर, हमने हमारे टीम से बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लिया। ट्रेन रिजर्व हो जाता था, ट्रेन में जगह नहीं होता था, और आज भी यदि इस सिचुएशन सही रहा तो हमारे टीम से 1 ट्रेन हम लोग भर भर के लेके जाएंगे, अब 1 जहाज भर भर के लेके जाएंगे बसुपाल क्रिएशन के लिए। हम लोग हमारे पूरे टीम और पूरे इंडिया, पूरा जो है दुनिया, इस तरह के क्राउड यदि हम लोग करें और बसुपाल आरबीसी सिस्टम को फॉलो करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगावे दोस्त और ईमानदारी को भी जो है परखें, तो कोई वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि शानदार, जानदार, ईमानदार बनेंगे, पहरेदारी बनेंगे और जो है आरबीसी सिस्टम जो इतना जबरदस्त, मिलीनियर उसमें से आते हैं लोग, मिलीनियर क्लब, आप आरबीसी सिस्टम इस इंस्टीट्यूट में पढ़ करके हमारे टीम में आज इतना जबरदस्त तरीके से जो है लोग उभर के आ रहे हैं। हमने पिछले महीना कोरोना जो काल से सबसे ज्यादा यदि हम लोग ये करें तो आरबी सिस्टम सिस्टम को फॉलो किया, 7 बजे आरबी मीटिंग देखना और उसमें कमेंट लिखिए अपना नाम, अपलाइन के नाम, मेंटर का नाम और उसको भेजिए, ऑल सिलेक्ट कॉपी भेजिए। दूसरी चीज है कि उसको आरबीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे होता है रेड से, उसको दाबिएगा उंगली से तो वो ब्लैक जैसा हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा। उसके बाद लाइक होता है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी संख्या बढ़ जाएगा। दोस्त बहुत सारा आरबीसी मीटिंग देखते हैं,
लेकिन आज भी आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत सारे को हम चेक किए हैं मोबाइल, ना चैनल सब्सक्राइब है और ना लाइक किया हुआ है। हमने खुद अपने हाथों से जिसको पकड़ते उसमें लाइक करते हैं। सर हमें मालूम ही नहीं था, हम सुनते थे कि लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, लेकिन कैसे करना है ये मालूम नहीं था। तो बहुत सारा जितने भी सुन रहे हैं उसको लाइव और सब्सक्राइब करने का कोशिश करें। साथ साथ जो है इतनी जबरदस्त तरीके से जो अभी हम लोग को फ्रीडम डे है 27 दिसंबर, 27 दिसंबर के तैयारी पूरे जोर शोर से पूरे हम लोग बिहार और पूरे इंडिया, पूरे यूपी, पूरे दुनिया के लोग इस क्राउड में भीड़ लगाइए। आपके पास 2, 4, 10, 20 मोबाइल अगर कांटेक्ट में है, आपके घर में 4-5 मोबाइल है, सभी को कनेक्ट कीजिए, आरबीसी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और 27 दिसंबर के 2 बजे के पहले से ही उस सब मोबाइल को चालू कर देना है और चालू कर करके लाइक सब्सक्राइब कर करके उसमें से लिखना भी मत भूलिए, लिख करके भेजते रहिए, ऑल सेलेक्ट कॉपी कर लीजिए, बार बार पेस्ट करते जाइएगा आपको चला जाएगा। और अगर आपके पास घर में अगर आप इकट्ठा होते हैं चाय कॉफी पार्टी दीजिए और साथ साथ वहां पर सभी का मोबाइल, अगर 10 को 5 को आपके अगल बगल मोबाइल है, आपके गांव टोला मोहल्ला में है, परिवार में है, सबसे रिक्वेस्ट कीजिए कि कम से कम 27 दिसंबर को इतना बड़ा प्रोग्राम है उसको जरूर देखिए और सबको अपने पास गांव में भी अपने घर पर भी इस तरह के ऐसे बैनर बनाइए। देखिए कितना सुंदर हमारे बैनर बना हुआ है, देखिए कि डॉक्टर लिम सियोजिन टीओ साहब हैं, हमारे रफीक सर हैं, एक जोरदार ताली होनी चाहिए मैनेजमेंट सभी के लिए, हमारे पीआईसी हिमांशु सर हैं, ये सारे लोगों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये सारे जो है हमारे लीडर लोग हैं, क्राउन एम्बेसडर जो है सुरेंद्र प्रसाद, भरतगढ़ सर हैं, राजीव सर हैं, है ना, ये सारे जो है क्राउन डायमंड के लिए जोरदार क्राउन एम्बेसडर के लिए ताली होनी चाहिए। और ये सारे जो है मैनेजमेंट के लोग जितना जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट का जो है प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट एक पर एक आते जा रहा है, एक जो है मैनेजमेंट के लिए भी हम जो है नमन करते हैं। सर आप लोग भी जो है जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट जिस तरीके से हम लोग को कोरोना काल में दिए, आज एक पर एक प्रोडक्ट आ रहा है, सर आपका आभारी है मैनेजमेंट के भी और जहां कहीं भी है सर हम जो है धन्यवाद देते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट आप ला रहे हैं। साथ साथ जो है ये सारा श्रेय, ये सारा जो है मेरा अचीवमेंट जो देख रहे हैं, ये मेरा पैर के नोह से लेकर के सर के बाल तक डीएक्शन और डीएक्शन आरबीसी का देने। अगर हम होम मीटिंग कर करके भीड़ बढ़ाया, फिर जो है हमने टेम्पू पर भार करके बड़ा मीटिंग में लाते थे, फिर जो है आरबीसी मीटिंग होता था हम लोग बस रिजर्व करके भोपाल तक पहुंच गए, ट्रेन रिजर्व करके भोपाल तक जो है बनारस बॉम्बे उसके बाद जो है उड़ीसा भुवनेश्वर, हम लोग ट्रेन भी रिजर्व किया, बोगी रिजर्व किया और जहाज भी रिजर्व करके जाने का काम किया। सर आप लोग का आशीर्वाद बना रहे सर, हमने जो है जहाज ट्रेन भर भर के ले जाएंगे और पूरे इंडिया के लोग ले जाएंगे, पूरा जो है हर स्टेट के लोग जो है इस तरीके से भीड़ लगाइए, वो दिन दूर नहीं है, जितना भीड़ देखेगा उतना ही बड़ा दोस्त आपका पीढ़ी बढ़ेगा। और जो एक बार भीड़ देख करके चला आएगा ना, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, क्योंकि वहां देखने के बाद इस दिमाग का जो है ताला खुल जाता है। और वहां देखने के बाद हमें भी लगा, हमने जितने आदमी को सभी लोग के मेरे टीम से गए या पूरे इंडिया से लोग जाते हैं, सबको दिमाग का ताला खुल जाता है। जो 7 बजे आरबीसी मीटिंग में हम लोग सुनते हैं तो पता चलता है कि कैंप से बहुत सारे लोग को अचीवमेंट मिला, बहुत सारा मिलीनियर बना और बहुत सारा को पोस्ट बढ़ते चल गया। तो हम इसको सभी चीज भूल करके दिल से सब लोग काम कीजिए और जितना भी हो 27 दिसंबर को आरबीसी में लाइव है, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक बटन दबाइए और जितना मोबाइल है सब में चालू कर दीजिए, एकदम 50,000 1,00,000 से आदमी से व्यूअर से ज्यादा बढ़ जाना चाहिए अगर हम सब एक होकर के तैयार करेंगे तो। और इस तरीका से बैनर बनाइए, बैनर बना बना के अपने घर में अपने दूरा दलान पर के इकट्ठा कीजिए, चाय पार्टी परिवार गांव टोला पड़ोसी के बुलाइए, भैया आज मेरे पास पार्टी है 27 तारीख के, प्रोफेसर सर का जन्मदिन है, गुरु माता गुरु पिता
क्या आज उनका जो है पार्टी है, आइए मेरे पास, चाय बनेगा, कॉफी बनेगा, कोको जी बनेगा, स्पाइस टी बनेगा। अभी ठंडा का मौसम है ना, स्पाइस टी को जबरदस्त तरीके से आप लोग प्रमोट कर सकते हैं, ठंडा नहीं मारेगा। अगर आप सूखे भी इसको खाएंगे ना, या फिर पानी का बोतल में डाल करके इसको पीजिए, आपको ठंडा का कभी जीवन में एहसास नहीं होगा। और इतना जबरदस्त रिजल्ट है बिहार में और झारखंड में मेरे टीम से और हमारे द्वारा, कि जिसका पत्नी जो है परेशान रहती थी पति के चलते, क्योंकि पति लोग दारू पीते थे, और इससे कई लोगों का दारू छूट गया है। यार दोस्त, इसको बढ़िया से प्रमोट कीजिए, स्पाइस टी, इतना जबरदस्त तरीके से रिजल्ट है। और इसको गैस कब्जियत में भी जबरदस्त तरीके से रिजल्ट है, मुंह में छाला वगैरह पड़ता है उसमें भी जबरदस्त तरीके से रिजल्ट है, हमारे हम लोग के पास आता है लुटा जाता है, इतना अच्छा स्वाद है। इसको हम लोग होम मीटिंग में इसको खोल खोल करके सबको खिलाते हैं। प्रोफेसर सर हमें जो है उड़ीसा भेजे थे, उड़ीसा गए थे, तो सर हम बहुत सारा जो है ये स्पाइस टी लेकर के गए थे और सबको खोल खोल के पूरा मीटिंग में चेक करवाए थे। अगर हम लोग इस तरीके से गांव गांव होम मीटिंग करते हैं, इसको चेक करवाइए, तो आपका 4G नहीं 5G है। अरे तो है ये है चाय, चाय तो बेहतरीन है, क्या बात है, चाय का स्वाद, और उससे भी ज्यादा गैस कब्जियत में रिजल्ट इससे भी आता है। तो ये जो है बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हम लोग के बीच है। कुकीज है, मधुरम कुकीज का तो कहना ही नहीं है। जो बच्चे का लार चूता था, जो बच्चा बोलता नहीं था, 3 साल 4 साल हो गया, उसको हमने कुकीज दिया। हमारे टीम में बहुत सारा टेस्टिमोनियम है, जबरदस्त रिजल्ट है दोस्त। ये सब प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करें घर घर हम, तो हम लोगों को वो दिन दूर नहीं है। ईमानदारी बरते हैं, किसी का भी टीम रोस लाइन क्रॉस लाइन हम लोग नहीं मानना है। और पूरे इंडिया, पूरे भाई बहन, पूरे दुनिया के लोग जो सुन रहे हैं, इकट्ठा होकर के वन वर्ल्ड वन मार्केट के तहत काम करें, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके भी झोली में भगवान ने, ईश्वर ने हम लोगों को जो मौका दिया है, आरबीसी सिस्टम जो मिला है डॉक्टर लिम्सियो जिन के द्वारा, अरे आरबीसी सिस्टम के तहत अगर हम सब इकट्ठा होकर के इस भीड़ को बढ़ावे, क्राउड को बढ़ावे, तो आपको भी झोली में मेहनत अगर आप करेंगे, तो आपके भी झोली में ईश्वर भगवान करे के ओ लो, आपके भी झोली में धर्मशीला मैम सुरेंद्र प्रसाद हैं। ये आपकी मेहनत याद कीजिए, आपका मेहनत, एक चीज ही दिमाग रखिएगा, शानदार, जानदार, ईमानदार, पहरेदार। क्या जरूरत है किसी को पीवी चुराना? क्या जरूरत है किसी को बोनस निकाल करके खा जाना? क्या जरूरत है हम किसी को आदमी को अपने में ज्वाइन करा लेना? ये सब महापाप है। एमआरपी से प्रोडक्ट निकालिए और दिन भर का आप खर्च निकाल सकते हैं दोस्त। 400-500 रुपया, 1000-1000 रुपया मेरे टीम में लोग कमाते हैं। झारखंड में बेबी जी हैं, त्रिवेणी जी हैं, जहां कहीं भी है उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। साथ साथ जो है हमारे टीम में कुंदन, मिंता कुमारी, नितेश भागलपुर, देखिए एकदम जबरदस्त तरीके से उछाल है। माधुरी मैम, गौतम जी, माधुरी मैम, देखिए कि इतना जबरदस्त तरीके से उनका हम लोग टीवी रिपोर्ट देखते हैं, 8 में 8 लाइन क्वालिफाई करता, क्या बात है। एक जोरदार ताली माधुरी जी आपके लिए और गौतम जी के लिए, जो आपने वन मेंटर चुने सुरेंद्र प्रसाद और धर्मशीला मैम। मैं जो है माधुरी जी आपको सैल्यूट, और आप जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। मैडम को जो है एकदम चरण में गिरे रहिए, पूरे टीम गिरे रहिए, जैसे वो कहते हैं वैसे काम कीजिए। आपका वो दिन दूर नहीं है जो हम लोगों को जो है के अग्रवाल सर महागुरु बताए 62 करोड़, और वो 62 करोड़ सभी को आएगा, पूरे इंडिया के लोगों को आएगा, पूरे दुनिया के लोगों को आएगा। जो बिजनेस प्लान हुआ है 6/36/216, 3 महीने में 87,000, 4 महीने में 5 लाख, और 5 महीने में 15 लाख है भाव। अब इसको डुप्लीकेट करते रहिए, तो कहा गया है आग लगा लो सीने में जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग एकदम हौसला से काम कीजिए, उमंग भर के काम कीजिए, और वो दिन दूर नहीं है। अगर आरबीसी का चोला पकड़ लिया,
आरबीसी का दामन अगर थाम लिया, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम सर, जो सर कहे वो सर, यस सर, नो सर नहीं, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, काम करके दिखाइए, आपके टीम में आपकी मेहनत रंग लाएगा। और मेहनत करेंगे, आपके नीचे भी सुरेंद्र प्रसाद धर्मशीला मैम हैं। हमें लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं, शशि क्या बात है, आपके तो एक सुरेंद्र जी धर्मशीला जी मिल गए। अरे यार, आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्या आपका ईमानदारी है? क्या आरबी सिस्टम को फॉलो किए करते हैं 100%? आज देख लीजिए, अगर मैं, हमने 100% फॉलो नहीं करते पटना का प्रोफेसर सर का आरबीसी कैंप, लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का मेरा देन है। आज जो है इस ट्रेनिंग कैंप से हमने जो है 8 से 9-10 टीएसआईपी अचीवर, डबल नहीं ट्रिपल ट्रिपल क्वालिफाई करते हैं। मेरे टीम से आईटीएसआईपी और टीएसआईपी मिला करके 15 से 20 लोग जाते हैं, यानी 30% लोग हैं। ये आप लोग का ईमान जो है, बीच में हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको ईमानदारी का पाठ हमेशा पढ़ाते रहिए। हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर अपना मैम के चरणों में कोटि कोटि नमन। सर आपने इतना बढ़िया चैनल बना दिया, इतना बढ़िया सिस्टम दिया, डीएक्शन आरबी सिस्टम, इतना बढ़िया लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप। सर हम लोग ललायत हैं, कब लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप हो? सर हम लोग पहले से भी शायद सोच रहे थे कि इस बार कैंप लगेगा, पशुपाल क्रिएशन कहीं होगा, हम लोग मनाएंगे, लेकिन इस कोरोना की कुछ वजह से नहीं मना रहे। हम लोग वर्चुअल हैं, ऑनलाइन रहेंगे, और जबरदस्त तरीके से उसमें मोटिवेशन का पॉइंट मिलेगा। लेगेसी के लिए डीएक्शन में काम कीजिए दोस्त। आज जिंदगी मौत का किसी का ठिकाना नहीं है। आज हम हैं, कल हो सकता है नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा पैसा, हमारा पोस्ट हमारे बच्चे को जाएगा, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, वो देखने का मौका है आपको 27 दिसंबर को आरबीसी फ्रीडम डे में मिलेगा। आप लोग जो है बेसब्री से सब पूरे टीम में एक एक आदमी 50-50, 25-25, 100-100 आदमी को इकट्ठा भीड़ कीजिए अपने गांव, टोला, मोहल्ला, परिवार में, ऐसा बैनर बना बना करके, और बना करके टांगिए सब महारथी जितने क्राउन एम्बेसडर हैं। और मीटिंग ट्रेनिंग भी कहीं भी देते हैं, होम मीटिंग से लेकर के वीकली मीटिंग, ये सब बैनर होना चाहिए, वसु रत्ना वसुपाल क्रिएशन डीएक्शन। इतनी बड़ा बड़ा हस्ती, क्या बात है दोस्त, इसको इनको जरी देख लीजिए, प्रोफेसर सर इनको क्या जरूरत था, रत्ना मैम के क्या जरूरत है, डॉक्टर एस रंजन के, प्रोफेसर सर बात होता है बताइए तो। ये कहते हैं बेटा ऐसे काम करो, भीड़ बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, क्राउड करो, इनको क्या जरूरत है इस उम्र में, आज सोए रहते। लेकिन हम लोगों को रात दिन सर मेहनत करते हैं, एक क्षण भी नहीं सोते हैं, रात दिन मेहनत कर करके बात कर करके। इनका एक ही सपना है कि मेरा इंडिया, पूरे बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा, भुवनेश्वर, जितना सारे लोग हैं, इनका एक ही सपना है, हर इंसान को 62 करोड़ होना चाहिए। सर आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। सर मैम आपका आशीर्वाद सर बना रहे, हम लोग पूरे इंडिया के लोग जबरदस्त तरीके से आपका भक्त रहेंगे सर, आपका सेवा करेंगे, खूब भीड़ लगाएंगे सर, जबरदस्त तरीके से भीड़ लगाएंगे, इतना भीड़ लगाएंगे आप सर एक कैंप में दे करके देखिए हम लोग को। मेरा हमको लगता है कि अगर सर 5,000 के भी भीड़ लगाएंगे ना सर, तो मेरे लिए कम है। हमारे पूरे टीम, बिहार, बिहार शरीफ, पूरे गया टीम, 5,000 भी हम इस क्राउड में लाएंगे सर। आपसे सर वादा करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, और पूरे इंडिया में जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबों का जो है खूब मेहनत कीजिए, मेहनत कर करके, और जो है इस तरीके से जो है लगिए और जम करके लगिए, यही जो है हम आप लोगों से कामना करेंगे। और भीड़ तो बहुत जरूरी है, अगर एक बार दोस्त लीडरशिप कैंप में चला गया, और अभी 27 दिसंबर का जो ट्रेनिंग है वर्चुअल, प्रोफेसर सर रत्ना मैम का जन्मदिन, माँ पिताजी सर हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू
सर जियो हजारों साल, ए साल बार बार आए। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू सर। और इस लॉकडाउन में का क्या बना? इस लॉकडाउन में लोग बोलते हैं पैसा नहीं आता है, ये आपका दोस्त आपका गलती है, हमें तो पैसा आता है, आपको नहीं आता है तो आपकी दोस्त है। आप शानदार नहीं है, प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, जानदार नहीं है, जान नहीं है, ईमानदार नहीं है, टीवी चुराना इन्हें उन्हें करना, पहरेदारी का काम अपना टीम में देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोनस आपका कमा, हमें नहीं कमा। इस लॉकडाउन में हमने डीएक्शन आरबीसी सिस्टम जो मिला, इस सिस्टम के ताकत से सर देखिएगा मेरे टीम से बहुत ज्यादा कमेंट जाता है। अरे मेरा जो है लॉकडाउन में 20 लाख का लगभग 7-8 रूम का अपना जो है घर बनाया सर, मैडम अपने जो है पापा जी मम्मी जी को गिफ्ट दिए बुढ़ापा में, कि आपका आशीर्वाद से मम्मी पापा बने हैं, आपका एक सुंदर घर बना के देते हैं, वो बन करके कंप्लीट है। साथ साथ जो है पिछले महीना में हमने बच्चे को डीएक्शन सिस्टम से डीएक्शन आरबीसी का दामन पकड़ करके जबरदस्त तरीके से भीड़ में जाते थे, हर मीटिंग हर क्राउड में हर लीडरशिप कैंप में, चाहे उड़ीसा हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मैसूर हो, मेरे टीम से सबसे ज्यादा जाने का काम हमने ले जाने का काम किए हम, और हमारे टीम में सुरेंद्र प्रसाद एंड धर्मशिला में एक जोरदार ताली फिर से होनी चाहिए मैडम और सर के लिए। सर और जबरदस्त तरीके से इसको किया जाए और सबको मिलीनियर, पूरे इंडिया में मिलीनियर बनाने का काम कीजिए सर, मैम यही सर आप लोगों से प्रार्थना करेंगे। वन वर्ल्ड वन मार्केट के तहत सर छा जाइए और सभी लोगों को जो है मार्गदर्शन का काम आप दीजिए सर मैम। साथ साथ जो है इतना जबरदस्त तरीके से जो रिजल्ट आया, इसके बाद जो कोरोना काल में आरबीसी सिस्टम पकड़ा, हमने जूम मीटिंग चालू किए, हमारे सोनू जी जो बड़ा लड़का जो सिविल इंजीनियर था गुरु नानक कॉलेज लुधियाना, वहां से रिजाइन मरवा करके हमने डीएक्शन में लगाए। आज लॉकडाउन में उन्होंने जो है उस दामन को थामा, प्रोफेसर सर रत्ना मैम को डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को पकड़ करके पीवी बढ़ा के जूम मीटिंग कर करके पिछले महीना 31 तारीख को वो डायमंड बना दोस्त 1.5 लाख पीवी के साथ और इनकम 35,000 प्लस, और मेरा पोस्ट स्कूटी गोल्ड डायमंड हुआ। अब जल्द ही आगे का काम हम लोग कर रहे हैं, मेरा भी सपना है क्राउन मिनिस्टर हम बने और आप लोग भी बनिए, लेकिन 7 बजे आरबीसी मीटिंग नहीं छोड़ना है, कहीं भी लीडरशिप कैंप हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। इस लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप का मेरे पूरे टीम का जो आज पीवी रोशन जी बताए उसी का देन है। और होम मीटिंग खूब जबरदस्त कीजिए, खूब भीड़ लगाइए वीकली मीटिंग में, खूब मंथली मीटिंग में और खूब क्राउड में, वसुपाल क्रिएशन में खूब भीड़ लगाइए, कहीं भी कैंप हो वहां बढ़ चढ़ के जाइए, एमआरपी से बेच बेच के 4,000-5,000 रुपया जमा करो दोस्त, और जैसी सूचना मिले कि कैंप है उसमें जाइए। और आपका डॉक्टर इपेन कोशी का किताब, वो किताब को ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में दोस्त दीजिए। एक और खुला वाला है, ये देखिए किताब, ये किताब को हर डिस्ट्रीब्यूटर जो काम करने वाला है उनको दीजिए, हर लीडर को दीजिए। साथ साथ जो है इस किताब में इतना जबरदस्त तरीके से लिखा लिखा गया है, इंग्लिश में है कोई बात नहीं, चाय भी इंग्लिश में दोस्त, चाय के बारे में इंग्लिश में पढ़ने नहीं आता लेकिन पी करके तो बताने आ रहा है ना, वही चीज है, फॉलोअर बनना है। हमारे रामाशीष गुप्ता, हमारे के अग्रवाल सर बोलते हैं फॉलोअर बनो, स्किल डेवलप मत करो, फॉलोअर बनिए, जैसे अग्रवाल सर बोल रहे हैं उस तरीके से काम करते जाइए। किताब ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेचिए यार दोस्त, 150 रुपया का किताब है। इस किताब में लिखा गया कि अगर कोरोना से भी करोड़ों बीमारी बढ़ के आएगा तो हमारा RGGL गाइनोडर्मा स्पिरुलिना जो खाते रहेगा उसको कोई भी वायरस अटैक नहीं करेगा, जब तक इंसान रहेगा, जब तक इंसान में सेल रहेगा हमारा गाइनोडर्मा काम स्पिरुलिना करते रहेगा, न्यूट्रिशन देते रहेगा, और इस किताब में उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। डॉक्टर इपेन कोशी के लिए भी जहां कहीं भी हो सर कोटि कोटि नमन करते हैं, और एक जोरदार ताली होनी चाहिए डॉक्टर इपेन कोशी के लिए।
साथ साथ कुछ किताबें रखिए, सोचिए और अमीर बनिए। इस किताब को पढ़िए, बिजनेस स्कूल किताब को पढ़िए, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे डॉक्टर इपेन कोशी का किताब, ये सब पढ़िए। देखिए जीत आपकी किताब पढ़िए, माया जर्नी डॉक्टर लिम सियोजिन का किताब, ये सब जो है अपने जीवन में पढ़िए। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रोफेसर सर बार बार बोलते हैं कि किताब पढ़िए। और उसको देन है कि 1 तारीख को हमने क्वालिफाई किया डायमंड, जब से देखिए ट्रॉफी 1 तारीख का, साथ साथ जो है क्रेस्ट और जो है इतना सुंदर इसमें डायरी, जबरदस्त तरीके से जो है ये सब कंपनी स्वागत के लिए रखी है डायरी, साथ साथ जो है आपका अभी टाई और बहुत सारा चीज जो है कंपनी आपको जो है दे रही है हर महीना में। 3500 भी 1 तारीख को बनाइए और 1 तारीख का कारमा बनाइए, भीड़ खूब लगाइए, जबरदस्त भीड़ लगाइए दोस्त कैंप में। 7 सुबह में उठिए और 27 दिसंबर को याद रखिएगा 1 बजे से एकदम तैयारी कर लीजिए, चाय पार्टी के साथ, बैनर पोस्टर के साथ, और सबको मोबाइल में चालू कर करके संख्या को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जो है सर हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं, कहीं भी कोई गलती सलती हुआ है तो गुरु जनों से सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी है, और आप लोग खूब काम कीजिए। ओके 5 मिनट मैडम का समय है, मैडम कुछ अपना बताएगी, लेडीज पावर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, बोलते जाइए। बोलिए ना, चल जाएगा। रिएक्शन का फाउंडर हैं, गोचरण छुड़कर नमन करती हूँ प्रोफेसर सर के, रत्ना मैडम के चरण छू के, एस रंजन सर के चरण छू के नमन करती हूँ, के अग्रवाल सर के चरण छू कर नमन करती हूँ, जितना डीएक्शन में है सबके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आज देखिए डीएक्शन से सारा सपना पूरा हुआ है, हम कभी सोच नहीं सकते थे इतना सपना पूरा होगा। आज देखिए जी जे नहीं चाहते थे वो सारा सपना पूरा हो गया है, आओ कुछ बाकी है जब सब पूरा होगा। हम कभी मिट्टी के मकान में रहने वाली अब फूस के छावल था, जब वर्षा होता था तो चूता था, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सारा सपना पूरा होगा। आज देखिए लॉकडाउन में तो सब घर में रहता था, हम अकेले लॉकडाउन में अपना मायके में बहुत सुंदर मकान बनाए, एक ही चीज नहीं सारा व्यवस्था उन्हें कर दिए, अब पन्ना पलस्तरा सब करवा दिए, हम लेडीज हो गए। कभी सोच नहीं सकते थे एक आदमी से बात करने के लिए सोचते थे, आज देखिए डिएक्शन का दिन है कि आज हम हर लोग से बात करते हैं, और गरीब आदमी कभी तो मान सम्मान नहीं मिलता है, आज देखिए पूरा मायके में जाते हैं तो मान सम्मान भी मिलता है। आओ सब कहते हैं कि आज डिएक्शन वाले हैं, डिएक्शन के नाम से पुकारते हैं, नाम नहीं धरते हैं, डिएक्शन आ गए हैं, डिएक्शन जी आ गए, इनको चाय दीजिए, इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। आओ कहते हैं कि इतना इनको पैसा आता है ना कि कोई कहना नहीं है, इतना जल्दी मकान बना के पाना पलस्तरा सब करवा दिए, आज मम्मी पापा पूरा खुश हैं। हम 2 बहन हैं तो कह रहे हैं कि मम्मी पापा की तो बेटा के सपना तू पूरा कर दिया, तो हम बोलते हैं कि मम्मी यदि डिएक्शन नहीं मिलता तो हम सपना पूरा नहीं करते, तो अच्छा कर्म किए कि हमको डिएक्शन मिला कि सारा सपना पूरा हो गया। हम एक शहर में रहने के लिए सोचते थे मकान की, कब शहर में रहेंगे हम, ऑटो के लिए जाम बाजार जाने के लिए, मार्केटिंग जाने के लिए पैसा नहीं रहता था, 100 रुपया 500 रुपया से देखने के लिए सोचते थे, हम सोच लिए थे कि अब हम सपना पूरा नहीं होगा। आज देखिए अपना खुद के गाड़ी हो गया है, पहले साइकिल से मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल से कार हुआ, सारा सपना पूरा हो गया है। हम अब सोच रहे हैं कि सारा सपना पूरा हो रहा है ऊपर की ओर, तो अब हम सोचे अपना बेटा के अपना डिएक्शन ज्वाइन करवाएं, तो हम सोचे जा रहा था तो हम बोले कि बेटा तू डिएक्शन जा रहा है तू इंजीनियरिंग पढ़े, आज देखिए पापा मालिक हैं और तू नौकर बने जा रहा है, तो हम इतना
काहे तो वो सर बुला लिए कि आके डीएक्शन ज्वाइन करो, डीएक्शन में काम किया, आज डायमंड है। आज वो कह रहा है कि मम्मी आज लौटा लिया तो समझो कि हमको अच्छा कर्म किया, अच्छा मैंने हमको अमीरी की ओर ले जा रहा है। तो हम कभी तो कमाते 20-25 हजार, 50 हजार कमाते, और यहाँ हम लाखों लाख कमाएंगे और दुनिया के पहचान बनेगा, लोग दुनिया आशीर्वाद देंगे, तो बहुत अच्छा काम किए। तो आज हमको देखिए सोना चांदी लगी, सोचते थे कि कब पहनेंगे हम, इतना गरीबी था, आज सारा सपना पूरा हो गया है। हम सोचते हैं मेरा हस्बैंड के नाम से एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, आज कहते हैं कि जितना जौन चिमन है उसी खरीदिए, एटीएम में दे देते हैं। तो आज सोना चांदी भी मेरे लिए सस्ता लगता है, तो आज डिएक्शन नहीं रहता तो सस्ता लगता, आज महंगा से महंगा सामान मेरे लिए सस्ता लगता है। तो हम यही सोचते हैं कि मम्मी पापा अभी तक जिंदा हैं, तो आज डिएक्शन का चाय पिलाते हैं और स्पर्लिना खिलाते हैं, उनका से मैंने छोटे छोटे तो चल गए हैं, और अभी स्पर्लिना और चाय पी के अभी जिंदा हैं, आज सारा सारा खुशियां मिला। आज देखिए आज जब यहाँ आए हैं, साल भर में पूरा मकान को कंप्लीट करवा के आए हैं, हम कभी सोच सकते थे? आज देखिए मेरा यहाँ विष्णु यहाँ डेरा है एयरपोर्ट में, और देखिए यहाँ सारा व्यवस्था है, कभी सोच सकते थे? कभी चापाकल चलाने में हाथ दर्द देता था, आज देखिए वहां भी मायके में भी पूरा व्यवस्था कर दिए हैं, और यहाँ भी पूरा नल है, सब चीज है, आज वॉशिंग मशीन कपड़ा फिरते थे, आज वॉशिंग मशीन है, सारा चीज है। हम कभी सोच सकते थे? ये तो अच्छा कर्म किए कि डिएक्शन मिला। हम अपना हस्बैंड के कहते थे कि नौकरी कीजिए, कोची में बाहर ही निकलता था, कभी भरिए नौकरी के लिए पूरा करते थे, पूरा प्रार्थना भगवान करते थे कि मेरा हस्बैंड के 5-5 हजार के नौकरी लगा दीजिए। बाल बच्चा खिचड़ी वाला स्कूल में पढ़ता था तो आंख से आंसू बहता था, लेकिन कहता था कि मम्मी कब हम पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड में हम ही बस से जाएंगे पढ़े। तो जखनी आंख से आंसू बहता था कि बेटा पैसा रहता तो हम भी पढ़ाते, तो खाने के लिए तो सोचते हैं बढ़िया स्कूल में कहाँ पढ़ावेंगे। तो देखिए डिएक्शन में जब पैसा बढ़े लगा तो सबसे बढ़िया स्कूल में नाम एडमिशन करवाए, तो वो घर बच्चा का एडमिशन नहीं होता था, कहता था कि इतना बड़ा बड़ा लाइकन है एडमिशन नहीं होगा, अब इसको पढ़ाई समझ में आई नहीं करेगा, चाहिए भी जबरदस्ती कैसू कैसू करके नाम एडमिशन हो गया। तो आज देखिए सबसे बढ़िया स्कूल में भी लाइकन पढ़ रहा है, आज यहाँ आते हैं डेरा पर आते हैं सर पढ़ाने के लिए, एक बच्चा के 5 हजार रुपये देते हैं, कभी सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते थे ना। मायके जाते हैं तो सब कहते हैं ना, देखिए इतना है सीआरपी है, सब नौकरी वाला है, तो कहते हैं कि दीदी आपको इतना पैसा आता है, हम कि तुम जितना पैसा कमाता है ना, जितना हम सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, हम बोलते हैं। हम कभी सोच सकते थे? कभी नहीं सोच सकते थे। अभी नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, तुम लोग देखा है, बोले कि तुम लोग देखा है कुछ ही, अभी आओ देखेगा, अभी तो शुरू हुआ है, हर जगह में मकान मेरा रहेगा डिएक्शन से। कभी सोच सकते थे? कभी नहीं सोच सकते थे। तो हम यही कहते हैं कि जो डिएक्शन छोड़ दिया, जो किया किया कुछ नहीं किया, और जो डिएक्शन में लगातार मेहनत किया और विश्वास के साथ टिकल रहा, और सारा सपना पूरा हो गया। छोड़ने वाला को कुछ नहीं मिलता है, और डिएक्शन में मेहनत करने वाला के सारा सपना पूरा होता है। आज देखिए देश विदेश घूमते घूमते थक गए हैं, इतना घूमे हैं, इतना देश गए हैं कि कभी सोच नहीं सकता था। नौकरी वाला कभी नसीब में है, कभी नहीं नसीब में है। ये तो मिलिट्री वाला से हो रहा था शादी, वो तो भाग था कि मिलिट्री वाला से कट गया और स्टीडी वाला से हो। कभी सोच सकते थे? कभी नहीं सोच सकते थे। वो अच्छा कर्म किए थे, भगवान की प्रार्थना सब दिन करते रहते थे, गरीब थे तहियो, आवाज है अमीर हो गए तभी, प्रार्थना कभी छोड़ते नहीं है, अच्छा सच्चाई बोलते हैं, किसी के साथ झूठ फरोश नहीं करते हैं हम लोग, इसी के देन है कि सारा सपना पूरा हो गया है। आज भी बाल बच्चा भी कहता है कि मम्मी हम भी, वो सब छोटा मोटा नहीं सोचता है 50 हजार 25 हजार कमाने के लिए, वो सब एकदम करोड़ रुपया के सपना देखता है कि हम इतना पैसा कमाएंगे, हम बिजनेस करेंगे। तो आज पापा के देख रहा है कि इतना पैसा आ रहा है, तो बेटा कभी छोटा सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। आज देखिए सब आप लोग की कृपा है, आरबीसी के देन है, हम लोग सब दिन आरबीसी के और डिएक्शन के सब दिन सेवा करते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे सातों कुर्सी तक डिएक्शन जिंदा रवाद रहेगा,
अध्यक्ष ने कभी भूलेंगे नहीं आने वाला। हम तो सोचते हैं कि हमको गरीबी मिटा तो क्या मिटा, हमको गरीबी मिटा तो क्या मिटा, सात खानदान तक लग गरीबी मिट गया। कभी गरीबी आने वाला चीज नहीं है। हम छोड़ के जाएंगे, दुनिया छोड़ के जाएंगे तो एक दिन याद करेगा, बाल बच्चा फोटो लगा के पूजा करेगा कि मम्मी पापा थे, अध्यक्ष ने मिला, आज हम लोग के अमीरी में नाम लिखा गया है। कभी सोचते थे हम, कभी जब 10 तारीख के महीने लगता है पैसा खत्म नहीं होता है, पैसा आ जाता है, कितना अच्छा है। नौकरी वाला के नसीब है, कभी कभी नहीं नसीब है। जैसा हम लोग घूम लिए हैं, जैसा हम लोग रह रहे हैं, जैसा हम लोग खाना खा रहे हैं, सारा सपना पूरा हो रहा है, कभी नसीब है, कभी नसीब नहीं है। हम नौकरी का सपना कुछ भी नहीं है, नौकरी वाला के कुछ हम काज समझ में नहीं करते हैं, ना कुछ लगे हुए करते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो हम लोग का इतना आशीर्वाद है सब गुरु का, हम लोग सब दिन, आज देखिए आज डायरेक्शन का मेहनत से सब दिन फूलमाला चढ़ते रहेगा, फूलमाला सब दिन पहनते रहेंगे। आज देखिए नौकरी वाला का फूलमाला नसीब है, कभी नहीं नसीब है, उसको तो अंतिम विदागी तक ला नसीब नहीं। हम लोग के सब दिन फूलमाला, जब से हम डायरेक्शन में आए हैं, पहले हम लोग के समझ में नहीं था कि डायरेक्शन क्या है। हम तो हस्बैंड के कहते थे, पहले 71 रुपये आया था ना, तो हमको विश्वास ही नहीं था, अरे सर आज 71 रुपये आया है, अब स्टूडियो में बूथ चलाते हैं तो कितना, बस तो स्टूडियो था कि किसी तरह से काम चल रहा था, 71 रुपये आया है, 71 रुपये से बढ़े करेगा तो कितना बढ़ेगा, विश्वास नहीं था शुरू में। तो हम इनको बोलते थे, बाकी नहीं ये अपना जिद्दी धर लिए, अब हम मीटिंग में हर समय जाते रहे आते रहे। हम लोग मीटिंग में नहीं ले जाते थे तो हमको समझ में नहीं आता था, बाकी प्रोडक्ट में फायदा था कि सब प्रोडक्ट खा रहे हैं, लिकोरिया की बीमारी था ये सब ठीक हो गया, छाही था उसे ठीक हो गया। हम बोलते थे कि इस प्रोडक्ट में तो पावर है तो हम ठीक हो गया है, बाकी पैसा आ रहा है कम, तो विश्वास नहीं होता है। इसी तरह से आप लोग के भी विश्वास नहीं होगा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, सभी लोग के अमीरी आएगा। 27 तारीख का आरवीसी मीटिंग है, आप लोग सब लोग देखिए और समझिए और आगे सब बढ़िए, विश्वास के साथ लगातार मेहनत करते रहिए, टिकल रहिए, सब लोग अमीरी में आइए, सब लोग अमीर बनिएगा। अपना बात उनके समाप्त करती हूँ, थैंक यू सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू दीदी, थैंक यू सर, क्या जबरदस्त आज आपने मीटिंग दिया है, मैं आज खुश हो गया आज सुन करके। रियली में आज जो आपने बताया है, अगर उस चीज को लोग फॉलो करें तो निश्चित रूप से क्राउड बढ़ सकता है, और आपकी कुछ बातें जो बहुत अच्छी लगी सर, मैं उसको दोहराना चाहूंगा बहुत ही शॉर्ट में, और जो आपने बताया, दीदी ने बताई, इतना मजा आया सुन करके कि शायद अभी मैं रिपीट करूंगा तो दर्शक लोग को भी सुन करके समझ में आएगा। सर ने एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से डायलॉग मारा, आप लोगों ने सुना होगा, क्या शानदार, जानदार, ईमानदार, पहरेदार, क्या बात है एक लाइन में एकदम सब कुछ बता दिए कि आपको अगर बिजनेस करना है शानदार बने रहिए, एक्साइटमेंट के साथ काम कीजिए, जोश के साथ काम कीजिए। देखिए शशि भूषण सर का जोश, आप देख के मीटिंग में आप समझ गए होंगे कि किस एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं। कैसे हुआ दोस्त, एक्साइटमेंट अगर रहेगा तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, एक सेगमेंट का बिजनेस है। आज शशि सर का एक्साइटमेंट, जानदार बात भी जम, जो परफेक्ट बात है, जो रियल बात है, जो सच्चाई है, उस चीज को आज इन्होंने दर्शाया है। और एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा बोला, ईमानदार, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस का, दुनिया का हर बिजनेस करने के लिए आपको ईमानदार होना सख्त जरूरी है। बेईमान आदमी कभी भी टॉप पे नहीं जा सकता, अगर चला गया तो वहां टिक नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। और तीसरा चौथा चीज इन्होंने बताया, पहरेदार, यानी ईमानदार भी बनना है और पहरेदार भी बनना है। अभी तक हम लोग ईमानदार बन रहे थे बट पहरेदार थोड़ा कम कम थे, आज की मीटिंग से पहरेदारी थोड़ा अच्छा से करना बहुत जरूरी है। और पहरेदारी करने के लिए ध्यान देना है अपने टीम में कि कोई ऐसा तो नहीं है जो हमारे टीम का बोनस निकाल के खा रहा है, या हमारे टीम में किसी का पीवी ऑनलाइन नहीं कर रहा है। इस तरह का गंदगी काम करने वाला आदमी को मार के भगाइए, ये सब कुछ करने वाले नहीं है, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, खत्म हो जाएंगे ये लोग आने वाले टाइम में। इसलिए आप सभी लोग ईमानदार तो बनना ही बनना है दोस्त, साथ में पहरेदार भी बनना है, ये शशि सर का
कहना था, और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि फ्रीडम डे के ऊपर 2021 27 दिसंबर आप सभी लोग पूरी तरह तैयारी के साथ जम जाइए, लग जाइए, अभी से पूरी ताकत लगा दीजिए। 27 दिसंबर 2021 को बहुत बड़ा धमाका, वो चीज रिएक्शन में देखने को मिलेगा जो आप शायद अभी तक नहीं देखे होंगे। कैसे कैसे लोग अभी तक एक दो आदमी देखते हैं ना रोज, 27 दिसंबर को देखिएगा, एक बार ब्राम से गिरेगा सब, एकदम हिल जाइएगा देख करके, वो सब कुछ मिलने वाला है। और आपको भीड़ अगर लगाना है तो अभी से ज्यादा होम मीटिंग कीजिए, जैसा कि शशि सर ने बताए हैं। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताया है कि जो हमारे पास बुक आया है नया वाला बुक, उस बुक को जरूर अपने पास रखिए। लोग प्रॉब्लम सुनाता है, सर इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, कितना जबरदस्त सॉलिड जवाब दिए, हमारा डी एक्शन का प्रोडक्ट भी तो इंग्लिश में है। कौन सा प्रोडक्ट पर हिंदी लिखा हुआ है बताइए ना, चाहे वो कोकोजी हो, चाय हो, स्पायरोलिना हो, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप पीते हैं बताइए, आप पी के फायदा समझ में आता है, वो इंग्लिश नहीं है दोस्त, सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर है। आप मोबाइल थोड़ा सा ऑपरेट करना सीखिए, सब हिंदी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आज जो इनका ग्रोथ है, उस ग्रोथ में जो आज सुना रहे थे 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, ये जो पीवी सुना रहे थे कई लोग सुन करके शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन ये 2 करोड़ पर कैसे पहुंचे, ये 2 करोड़ पर पहुंचे 1 तारीख को 3500 पीवी किए टीम से करवाएं, आप भी करिए, करवाइए, आपको बोला जाएगा तो आपको नानी मरता है, आपको बोला जाएगा तो आप चिल्लाइएगा नहीं सर नहीं करेंगे सर, तो सर 2.5 करोड़ नहीं होगा सर, इन्होंने किया और करने का नतीजा है कि आज आपके सामने है, आज एक अच्छा इनकम ले रहे हैं। और दीदी का एक बात बहुत ही जबरदस्त लगा, क्या बताया इन्होंने कि जब हम शुरुआत किए थे डीएक्शन, जब 71 रुपये का बोनस आया था, अरे ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं खाली आपके साथ होता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि शुरुआत में जो नया में आदमी आता है डीएक्शन को बताने, तो लोग क्या बोलता है, डीएक्शन वाला आ गया, डीएक्शन वाला शब्द कितना मैंने कचोड़ के निकालता है अंदर से, डीएक्शन वाला आ गया। लेकिन वही जब आशा दीदी बनता है, बनती है, शशिभूषण सर बनते हैं, सुरेंद्र सर बनते हैं, धर्मशीला दीदी बनती है, तो क्या बोलते हैं लोग, अब क्या बोल रहे हैं, डीएक्शन वाला आ गया, अब बोल रहे हैं डीएक्शन वाले आ गए, क्या बात है, कितना जबरदस्त परिवर्तन हो गया। कल है डीएक्शन वाला थे, अभी डीएक्शन वाले हो गए हैं। तो अब जब डीएक्शन वाला रहेंगे तो भले आपको कोई इज्जत करे या ना करे, आप बात को सुने या ना सुने, लेकिन एक दिन जब आप डीएक्शन वाले बन जाइएगा तो फिर तो पूरी दुनिया के दिल पर राज करिएगा। और दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बता, अपने बेटा को भी, सोचिए दोस्त कोई माँ बाप पर अपने बेटा को इस इंडस्ट्री में ला रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री में कितना पावर हो सकता है, अपने बेटा को इस इंडस्ट्री में डाल दी, कहीं ना कहीं इनको पूर्ण विश्वास है और इनको मालूम है डीएक्शन का पावर, कि आने वाला टाइम में आज हम काम कर रहे हैं कल हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में, मेरा बेटा भी के साथ भी यही रिपीटेशन होगा, कल वो भी अगर अपना बिजनेस को बिल्ड कर लेगा उसके पास भी पैसा ही पैसा रहेगा। आप कितना भी नौकरी कर लीजिए, कितना भी रोजगार कर लीजिए, आप 1 महीना काम नहीं करेंगे ना 1 रुपया नहीं आने वाला। लोग बहुत डीएक्शन वाले को बोलते हैं ना, एक महीना आप 1 साल नौकरी कीजिए, उसके बाद 1 महीना काम मत कीजिए, आपको पैसा आएगा, आप 1 साल कोई रोजगार कीजिए, आप 1 दिन काम करने मत जाइए, 1 सप्ताह छुट्टी पर रहिए, आपको पैसा आएगा, नहीं आएगा। लेकिन डीएक्शन में आज आपको थोड़ा पैसा अगर आता है आप भगा जाते हैं, लेकिन 1 साल अगर मेहनत कर दिए, 2 साल मेहनत कर दिए, 3 साल मेहनत कर दिए, आपके पास एक टीम बन जाए, और उसके बाद आप 1 सप्ताह काम मत कीजिए, 1 महीना काम मत कीजिए, पैसा आएगा। यह है पावर डीएक्शन का। आज इन्होंने अपने बेटा को डीएक्शन में डाले, इंजीनियरिंग कर करके, कहां वो लुधियाना से, वहां से इंजीनियरिंग कराने के बाद। और दीदी का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि मिलिट्री वाला से शादी नहीं हुआ, वो देश सेवा वो भी कर रहे थे, आज शशि सर भी देश सेवा ही कर रहे हैं, वो देश को वो मार मार के सेवा कर रहे थे, ये लोगों को पैसा कमवा कमवा के सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस प्रोग्राम में आप सभी को आने के लिए। मैं रोशन कुमार की तरफ से आपको तहे दिल से धन्यवाद, और फिर कामना करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग फिर आरबीसी पर आइए। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों का आज प्रोग्राम देखकर। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ओके।